दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आर्मर ऑल अल्ट्रासाउंड वॉश एंड वैक्स शैम्पू का डिटेल रिव्यू और टेस्ट करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल कार्स एंड बाइक्स डिटेलर में। तो चलिए जल्दी से आर्मर ऑल के इस वॉश एंड वैक्स शैम्पू के रिव्यू वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यह है आपके सामने आर्मर ऑल कंपनी का अल्ट्रासाउंड वॉश एंड वैक्स शैम्पू। यह दोस्तों आर्मर ऑल एक बाहर की कंपनी है और ये काफ़ी सारे कार केयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। इस शैम्पू के अनुसार इसे इस्तेमाल करने के बाद आपके गाड़ी को एक शोरूम जैसी शाइन और फिनिश मिलेगी। इसके साथ साथ ही ये दावा करती है कि आपके गाड़ी को एक हल्का वैक्स का प्रोटेक्शन और वाटर बीडिंग फॉर्म होने में मदद करेगी। अगर इसकी प्राइस की बात करें दोस्तों तो ऑनलाइन में ये आपको लगभग 350 रुपये के आसपास मिल जाएगा फॉर 473 ml। और अगर इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये आपको बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं, लगभग बीच इसकी कंसिस्टेंसी लगभग मीडियम है, लेकिन इसका इफेक्ट काफ़ी ज़बरदस्त है। तो दोस्तों इस शैम्पू को अच्छी तरीके से टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसका इस्तेमाल इस सिल्वर कलर क्लियर कोटेड पैनल पर करूंगा। दोस्तों इस पैनल पर अभी कोई भी वैक्स का प्रोटेक्शन या पेंट सीलन का प्रोटेक्शन नहीं है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि पानी स्प्रे करने पर इसके जो वाटर बीड्स फॉर्म हो रहे हैं वो परफेक्टली राउंड नहीं है और काफ़ी ज़्यादा इस पैनल से चिपक रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस होममेड फोम स्प्रेयर में लगभग 2 ढक्कन इस शैम्पू का ले लूँगा अराउंड 10 ml, और इसमें लगभग 800 से 1 लीटर पानी का इस्तेमाल करूँगा और उसके बाद मैं इस पर प्रेशर जनरेट करके फोम तैयार करूँगा और टेस्ट करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस वॉश एंड वैक्स शैम्पू का फोम क्वालिटी और फोम स्टिक टाइम को मेज़र करेंगे इस सिल्वर कलर क्लियर कोटेड पैनल पर। तो मैंने इस फोम स्प्रेयर की सहायता से इस पैनल पर अच्छी तरीके से फोम को स्प्रे कर लिया है और मैं जैसा कि देख सकता हूं दोस्तों कि इसका फोम बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, लेकिन जब आप इसे छुएंगे तो इसका टेक्सचर में आपको बहुत ज़्यादा लुब्रिकेशन नज़र आएगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है वॉश एंड वैक्स शैम्पू के लिहाज से। तो दोस्तों लगभग इस पैनल पर मुझे 1 मिनट का स्टिक टाइम इस पर मिला है, यानी आपके गाड़ी पर आसानी से आपको 2 से 2.5 मिनट का स्टिक टाइम मिलेगा, जो कि काफ़ी है। आपके गाड़ी के सतह पे जो भी गंदगी या डर्ट है उस पर ये फोम अच्छी तरीके से काम कर सके। तो दोस्तों नेक्स्ट अब हम इस सिल्वर पैनल को अच्छी तरीके से इसके फोम से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद रिंस करने के बाद हम टेस्ट करेंगे कि क्या वाकई में हमें इस पर एक वैक्स का हल्का प्रोटेक्शन मिलता है, और चेक करेंगे कि क्या वाकई में इस पैनल पर अब वाटर बीड्स फॉर्म होते हैं जैसे कि इस शैम्पू में दावा किया गया है। तो दोस्तों इसे अच्छी तरीके से रिंस करने के बाद सुखाते वक्त मैं देख सकता हूँ कि इसके शाइन में पहले से ज़्यादा इजाफा हुआ है। ये बात कितना कैमरा में नोटिस हो पा रही है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब मैं इस पर पानी को स्प्रे कर रहा हूँ तो पहले से डेफिनेटली ज़्यादा टाइट वाटर बीड्स फॉर्म हो रहे हैं। तो डेफिनेटली इस वॉश एंड वैक्स शैम्पू में आपको एक वैक्स का हल्का प्रोटेक्शन मिलता है। तो चलिए जल्दी से इसका इस्तेमाल हम एक गंदे गाड़ी में करते हैं रियल वर्ल्ड सिचुएशन में और देखते हैं कि हमें कैसा रिजल्ट मिलता है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इस वॉश एंड वैक्स शैम्पू को अब हम इस गाड़ी पर टेस्ट करते हैं। ये गाड़ी मीडियम गंदी हो रखी है। एक दिन मैंने इसे बारिश में थोड़ा बाहर निकाला था तो इस पर काफ़ी सारे कीचड़ के स्पॉट्स, कुछ जिद्दी स्पॉट्स भी हैं। तो चलिए कुल मिलाकर देखते हैं कि ये शैम्पू इन गंदगी पर कैसा काम करती है और इसके शाइन को कितना रिस्टोर करती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने गाड़ी को इस कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर से अच्छी तरीके से एक बार पानी से प्री रिंस कर लूँगा, जिससे कि इसके सतह पर जो भी लूज डस्ट और गंदगी है वो पानी के प्रेशर से निकल जाए। दोस्तों पानी से अच्छी तरीके से प्री रिंस करने के बाद अब मैं इस वॉश एंड वैक्स शैम्पू के फोम को इस फोम स्प्रेयर की सहायता से गाड़ी के पूरे बॉडी पर अच्छी तरीके से स्प्रे करूंगा, और स्प्रे हो जाने के बाद मैं एक साफ माइक्रोफाइबर वॉश मिट की सहायता से इसे धीरे धीरे रब करूंगा ताकि सरफेस पर जो भी जिद्दी डर्ट या ग्राइम है वो निकल जाए। तो दोस्तों अब फाइनली हम अपने गाड़ी को अच्छी तरीके से रिंस कर लेंगे और रिंस करने के बाद एक साफ माइक्रोफाइबर टॉयल की सहायता से हम अपने पूरे गाड़ी को अच्छी तरीके से ड्राई कर लेंगे, उसे सुखा लेंगे। तो दोस्तों गाड़ी की फाइनल रिंस हो चुकी है कंप्लीट। अगर हम करीब से देखें तो आपको गाड़ी के पूरे पेंट सरफेस पर इस तरीके का वाटर बीड्स नजर आएगा, जिससे कि साफ पता चलता है कि इस शैम्पू में बढ़िया क्लीनिंग एक्शन के साथ साथ आपके गाड़ी के पेंट सरफेस को ये एक हल्का वैक्स का प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस इस वॉश एंड वैक्स शैम्पू के साथ काफ़ी बढ़िया रहा। आप देख सकते हैं कि फाइनली इसे इस्तेमाल करने के बाद गाड़ी में ऑलमोस्ट एक मिरर फिनिश जैसी शाइन आ चुकी है।
तो दोस्तों आप भी अपने एक्सपीरियंस इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद मेरे साथ शेयर करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। दोस्तों साथ ही मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि अभी भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से हमारे देश में फैल रहा है, तो आप प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का पालन करें। आप अपने गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं तो अपने गाड़ी को रेगुलरली सैनिटाइज किया करें, ताकि आपके साथ बैठने वाले, आपके फैमिली वाले स्वस्थ रहे, कोई भी इन्फेक्टेड ना हो। जय हिंद।